नमस्कार साथियों, चलिए मुहावरे से एक और उपयोगी वीडियो। दोस्तों, एक सामान्य हिंदी से ये उपयोगी वीडियो है और आज का टॉपिक है दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियां। इसका भी पार्ट नंबर टू है, यानी इससे पहले एक पार्ट दोस्तों हम आप सभी को कल दे चुके हैं, ये भाग नंबर दो है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे रखे गए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मौजूद करा दूंगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहला यदि आपने पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मौजूद है। ठीक है, और इस चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी मूक टेस्ट के नाम से, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक भी उपलब्ध करा रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिएगा दोस्तों, आंख फाड़ कर देखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, आंख फाड़ कर देखना यानी कि घूर घूर कर किसी को देखना। दूसरा, आंखों में चर्बी चढ़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक घमंडी होना और मंदांध होना। ठीक है, यानी आंखों में चर्बी चढ़गी भाई इसके, तो ये तो घमंड के मारे चूर चूर हो गया। ठीक है, या फिर मंद आंध होना। आंखों से गिरना यानी सम्मान खो देना। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आंखों से गिरना, मुहावरे का सम्मान खो देना। नेक्स्ट, आंखें फतरा जाना। ठीक है, आंखें फतरा जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें थक जाना। अगला, आंखों का तारा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? अधिक प्यारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। अगला, आंख चुराना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? याद रखिएगा दोस्तों, आंख चुराना मुहावरे का अर्थ है छिप जाना या सामने ना आना। भाई किसी को देखकर आपने आंख चुरा ली तो यानी छिप गए आप। ठीक है, नेक्स्ट अगला है दोस्तों, आंख रखना, किसी के ऊपर गड़ाकर आंख रखना यानी कि निगरानी करना उसकी। नेक्स्ट देखिएगा अगला मुहावरा दोस्तों, आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। ठीक है, और अगला है इससे अगला, आंखों में खून उतरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है, आपसे पूछेगा एग्जाम में भी, आंखों में खून उतरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अत्यधिक क्रोध करना। अगला, आंखें फेरना, तो आंखें फेरना मुहावरे का दोस्तों क्या अर्थ हो जाएगा? आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों उपेक्षा करना। ठीक है, यानी किसी की बुराई करना। अगला, आंखों का पानी गिरना, तो आंखों का पानी गिरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? निर्लज्ज होना। ठीक है, निर्लज्ज होना या बेइज्जती होना, बेइज्जती महसूस होना। नेक्स्ट देखिएगा, आंखों के आगे, ठीक है, चिंगारी छूटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? आंखों के आगे चिंगारी छूटना यानी मस्तिष्क पर धक्का या चोट लगने से चकाचौंध हो जाना। ठीक है, अगला, आंखों पर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सम्मान पूर्वक रखना। नेक्स्ट देखिएगा, आंखों से, ठीक है, यानी आंखों से लगाना, आंखों से लगाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यार करना या श्रद्धा से सम्मान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आंखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? हरियाली ही हरियाली चारों तरफ दिखाई देना, आंखों में सरसों फूलना, मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आंधी के आम, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंधी के आम मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अनायास, ठीक है, सस्ते में मिल जाने की वस्तु। ठीक है, तो आंधी के आम यानी कि अनायास या सस्ते में मिल जाने वाली वस्तु। आगवत में दिया दिखाना दोस्तों, या फिर आफत में दिया दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आफत में दिया दिखाने, मुहावरे का अर्थ है दोस्तों परलोक में काम आना। ठीक है, अगला, आकाश का फूल, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अपर्याप्त वस्तु। ठीक है, आकाश का फूल यानी कि अपर्याप्त वस्तु। आकाश पर दिया जलाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? बड़ी वीरता और साहस का काम करना। अगला, आग का बाग, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? सुनार की अंगीठी या आतिशबाजी। ठीक है, आग का बाग भाई, तो यानी सुनार की अंगूठी है या फिर आतिशबाजी है। नेक्स्ट वन, आग लेने आना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? आकर तुरंत लौट जाना। आग लेने आना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आकर तुरंत लौट जाना। नेक्स्ट, आग से पानी हो जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी क्रोध शांत हो जाना। बहुत उपयोगी वीडियो दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। नेक्स्ट देखिएगा, आटे की आया, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? भोली स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट, आठ आठ आंसू, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? रोना, बहुत रोना। ठीक है, तो आठ आठ आंसू रोना दोस्तों, ये रोना इसके साथ है। ठीक है, आठ आठ आंसू रोना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत रोना। आन की आन, ठीक
ठीक है, यानी आन की आन में, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है भाई, आन की आन में आ जा, यानी कि शीघ्र ही आ जा। अगला आफत का परकाला, ठीक है, आफत का परकाला इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, तो वो है अथक परिश्रमी, यानी ज्यादा परिश्रम करने वाला उसे कहेंगे आफत का परकाला, अभी तो पक्का। आफत की पुड़िया इस मुहावरे का क्या अर्थ है, कष्टदायक या भयानक व्यक्ति, ठीक है, आफत की पुड़िया भाई तो बहुत कष्टदायक या भयानक व्यक्ति है। अगला आसमान पर चढ़ना अत्यधिक अभिमान करना, भाई तो बहुत आसमान पर चढ़ा हुआ, ठीक है भाई आसमान से बात कर रहा। आसमान फट जाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, किसी के ऊपर आसमान फट गया यानी कि अनहोनी बात हो गई। नेक्स्ट वन, कभी दोस्तों कभी घी घना कभी मुट्ठी, ठीक है, भर चना, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, कभी कभी वह मना की स्थिति, व्यक्ति दोस्तों मना की स्थिति में मतलब कर देता है, और जो कभी है दोस्तों उसकी स्थिति इसका समान नहीं रहती। तो याद रखिएगा, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, यानी कभी वह मना कर रहा है और कभी दोस्तों जो कह रहा है वो सदा स्थिति उसकी समान नहीं रहती। नेक्स्ट वन, देखिएगा इसे थोड़ा गौर से देखिएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत है। कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना कभी भी मना, ठीक है, यहां तक दोस्तों ये मुहावरा है, तो इस मुहावरे का अर्थ है व्यक्ति की स्थिति सदा समान नहीं रहती, ठीक है, तो इसमें डैश गलत लगा हुआ है थोड़ा। कौवा चला हंस की चाल, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, अंध अनुकरण करना, ठीक है, कौवा चला हंस की चाल इस मुहावरे का अर्थ है अंध अनुकरण करना। नेक्स्ट, कूद कूद मछली बगुले को खाए, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, बिल्कुल विपरीत कार्य होना, कूद कूद मछली, मछली खा जाएगी बगुले को, नहीं खा सकती, ठीक है, जबकि बगला मछली को खा सकता है। नेक्स्ट, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, बिना काम किए बैठे बैठे खाना, ठीक है, कान पर जूना रेंगना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, किसी बात पर ध्यान न देना या फिर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ना। अगला है काजल की कोठरी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो कलंकित होने का स्थान है काजल की कोठरी। नेक्स्ट, कमर खोलना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, आराम करना, भाई थोड़ी कमर खोल लूं यानी कि आराम कर लूं, ठीक, कमर बांधना, मैं कमर बांध लूं यानी कि मैं तैयार हो जाऊं, ठीक है, युद्ध पर जाना है। नेक्स्ट, कमर सीधी करना यानी कि आराम करना। अगला, करे सेवा खाए मेवा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, अच्छी और गुणियों की सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। पापड़ बेलना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, कष्ट सहना, ठीक है। नेक्स्ट वन, पर उपदेश कसुल बहुतेरे, ठीक है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, दूसरे को उपदेश देना सरल है। अगला, पत्थर पसीस उठाना, ठीक है, पत्थर पसीस उठाना यानी कि निर्दयी को दया आना। नेक्स्ट, पत्थर तले से हाथ निकालना यानी पत्थर के नीचे से हाथ निकालना यानी भारी संकट से छुटकारा पाना, इस मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, पत्थर में डूब जाना, ठीक है, पत्थर में डूब जमाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, असंभव का संभव होना, ठीक है, पत्थर में डूब जमाना, तो इस मुहावरे का अर्थ है असंभव का संभव होना। पाव भारी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, गर्भवती होना। पेट में चूहे कूदना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है अगर आपसे पूछे तो, यानी कि बहुत भूख लगना। नेक्स्ट, पट्टी पढ़ाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, भुलावा देना या फिर गलत राय देना, ठीक है, पट्टी पढ़ाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, गलत राय देना या बुलावा देना। नेक्स्ट, पांव उखड़ जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, हार कर भाग जाना। नेक्स्ट, पीठ दिखाना यानी कि भाग खड़े होना, इस मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। पत्थर की लकीर होना दोस्तों, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, अमिट या पक्की बात, वह पत्थर पर लकीर है मेरी बात तो पक्की बात है बिल्कुल, यानी कि अमिट यानी मिट नहीं हो सकती। पांचों उंगलियां घी में होना यानी कि लाभ ही लाभ होना दोस्तों, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। पलक न पसीजना दोस्तों, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, अत्यंत कठोर हृदय का होना यानी कि पलक ना पसीजना। नेक्स्ट, प्राण पखेरु उड़ जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, मर जाना। नेक्स्ट, प्रभुता पाही काही मद नाही, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है, ठीक है, प्रभुता पाही काही मद नाही, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है, अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है आप सभी के लिए, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। अगला, पांव फूक फूक कर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, अत्यंत सावधानी बरतना। नेक्स्ट, पीठ में छुरा घोपना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, धोखा देना। पहाड़ टूट पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, अचानक विपत्ति आना। नेक्स्ट,
पांचवी सवार में गिनती कराना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? बड़ों के साथ अपनों को भी, मतलब बड़े बड़ों के साथ अपने को भी बड़ा समझना, यानी कि पांचवे मतलब सवार में गिनती कराना, पांचवे सवार में। फूल नहीं पंखुड़ी ही सही, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक नहीं थोड़ा ही सही। ठीक है, नेक्स्ट। फूटी आंख न देखना, फूटी आंख न देखना यानी कि बुरा लगना। ठीक है, नेक्स्ट। फूला न समाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक प्रसन्न होना। नेक्स्ट देखिएगा, फलना फूलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? अगर आपसे पूछे तो उन्नति करना। बत्तीसी बंद होना यानी उदास हो जाना, बोल ना निकालना। बत्तीसी बंद हो गई भाई, बोल नहीं निकल रहा, उदास हो गए। बाग बाग होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? बहुत प्रसन्न होना। बाल की खाल निकालना यानी कि कमियां निकालना, इस मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। बगुला भगत होना, बगुला भगत यानी कि बिल्कुल कपटी होना। ठीक है, बांसों उछलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। नेक्स्ट देखिएगा, बट्टा लगाना, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? दोष मढ़ना, किसी के ऊपर बुराई मढ़ना। बछिया का ताऊ होना यानी कि बिल्कुल मूर्ख है बछिया का ताऊ है। तो अगला, बीड़ा उठाना, तो बीड़ा उठाना यानी कि उत्तरदायित्व, तो समझना भाई तुम बीड़ा उठाओ इस बात का, तो यानी कि उत्तरदायित्व, तुम विरोध करो। बोली मारना, बोली मारना यानी कि व्यंग करना। ठीक है भाई, अगला, बात का धनी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? वचन का पक्का होना। नेक्स्ट, बंदर के गले में मोतियों की माला, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? वस्तु के महत्व को न समझने वाला। अगला दोस्तों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बद अच्छा बदनाम बुरा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नुकसान उठाना बेहतर है बजाय बदनामी के। नेक्स्ट देखिएगा, बाढ़ के खेत खाए तो रखवाली कौन करे? ठीक है, बाढ़ के खेत खाए तो रखवाली कौन करे, यानी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई विकल्प नहीं होता। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अपने को संकट में डालना। नेक्स्ट, बसंत के कोकिल, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छे दिनों के साथी, तुम तो भाई बसंत के कोकिल हो यानी अच्छे दिन के साथी हो बस। बंदर घुड़की देना यानी व्यर्थ की धमकी देना। अगला है दोस्तों, बाला से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य है। अगला देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये देखिए दोस्तों, ये बाल से तेल निकालना है वैसे। ठीक है, बाल से तेल निकालना, यहाँ पर टाइपिंग में दिक्कत है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख किसी अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। नेक्स्ट, बड़े बड़े बह गए, गधा कहे पूछे कितना पानी। बड़े बड़े तो बह गए, गधा कहे पूछे कितना पानी, यानी शक्ति संपन्न लोगों के आसक्त होने के उपरांत छूटो भैया का डींग हाँकना, यानी कि झूठों का डींग हाँकना। अगला, बांझ क्या जाने प्रसूत या प्रसव की पीड़ा, तो ठीक है, इसका दोस्तों मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, दुख भोगने वाला ही दुखों को जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा यानी कि गर्भ की पीड़ा। भीगी बिल्ली बन जाना यानी कि डर जाना। नेक्स्ट, भीम के हाथी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? न लौटने वाला पदार्थ। भेड़ बना लेना, भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, अपने वश में करके जो चाह वो करवाना। अगला है दोस्तों, भस्म में आग लगाना, ठीक है, या फिर भस्म में आग लगा जमा लो दूर खड़ी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? स्थाई विग्रह का बीजारोपण कर तटस्थ की भूमिका अदा करना, यानी पहले तो बीज बो दिया फिर दूर खड़े देख रहे हैं। नेक्स्ट, भागीरथ प्रयत्न करना यानी कि दोस्तों अथक प्रयास करना, क्योंकि भागीरथ ने अथक प्रयास किया था गंगा को जमीन पर लाने के लिए। पूंजी भाग न होना यानी कुछ भी पास ना होना, या पूंजी भाग न होना या फिर पास ना होना। नेक्स्ट, भैंस के आगे बीर बजाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरर्थक होता है। अगला, भूखे भजन ना होए गोपाला, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? खाली पेट कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगला, मैदान मारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जीत हासिल करना। मीन मेक करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गलती निकालना। मुंह बनाना मुहावरे का अर्थ? खीस प्रकट करना या गुस्सा प्रकट करना। अगला, मुंह चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? लज्जा से सामने न आना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पराजित होना। नेक्स्ट, मुंह लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? विशेष या स्तर के विपरीत संपर्क में रखना, ठीक है, विशेष संपर्क में रखना, तो मुंह लगाना, ठीक है, इस मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा, स्तर के विपरीत यानी विशेष संपर्क में रखना, कोई आपने अगर मुंह लगा रखा तो अपने। मुंह में राम बगल में छुरी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष में हितकर परोक्ष में हानिकारक। मुंह धोवाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कमी दूर करना। नेक्स्ट,
मुंह फिर जाना इस मतलब मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब समाप्त हो जाना, मुंह पर नाक ना होना, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों निर्लज होना। मुंह मोड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? विमुख होना। नेक्स्ट, मुंह तोड़ जवाब देना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ठोस प्रत्युत्तर देना। मतलब मरी गाय बामन को दान, ठीक है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी को बेकार चीज देना, मरी गाय का बामन को दान कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? जबरदस्ती सिर पर चढ़ना। मन के लड्डू खाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? व्यर्थ की आशा में प्रसन्न रहना। नेक्स्ट, मूछ न रखना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? हार मान लेना। नेक्स्ट, मीठी छुरी चलाना इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? विश्वासघात करना। म्याऊं का ठौर पकड़ना यानी कि खतरे में पड़ना। मन में चोर बैठा इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? मन का कपटी होना। नेक्स्ट देखिएगा, मिट्टी के माधो यानी कि इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? निरा मूर्ख भाई, बिल्कुल मिट्टी का मतलब मिट्टी का माधो है तो, ठीक है। मिट्टी के मोल बिकना यानी कि अत्यंत या फिर अधिक बिल्कुल सस्ता हो जाना। मुट्ठी में काम करना यानी कि बिल्कुल बस में रहना या फिर बस में करना। मूछ नीची होना इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? प्रतिष्ठा का हनन। माथा ठनकना इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? किसी अनिष्ट की आशंका होना। मन की बात मन में रखना यानी कि व्यक्त न करना। माथे पर बाल मतलब बल पड़ जाना यानी कि परेशान हो जाना, माथे पर बल पड़ जाएगा तो परेशानी हो जाओगे। नेक्स्ट, मेंढकी को जुखाम यानी इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? अपनी औकात से ज्यादा नखरे। मुदई सुस्त गवाह चुस्त, ठीक है, मुदई चुस्त गवाह सुस्त या फिर चुस्त, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रमुख की अपेक्षा सहायकों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। नेक्स्ट देखिएगा, मोतियों से मुंह भर देना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? माला माल कर देना। युधिष्ठर होना यानी कि बिल्कुल सत्प्रिय होना। नेक्स्ट, योगी था सो उठ गया आसन रही भभूत, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पुराना गौरव समाप्त, ठीक है। योगी था सो उठ गया आसन रही भभूत, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पुराना गौरव समाप्त होना। रंग में भंग डालना या कबाड़ में हड्डी बनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छे काम में बाधा डालना। रुस्तम होना तो यानी कि अति बहादुर होना। नेक्स्ट, रंगे हाथों पकड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अपराध या गलत काम करते हुए पकड़ना। नेक्स्ट, रंग जमाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक प्रभावित करना। नेक्स्ट, रोंगटे खड़े हो जाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? डर जाना। राई से पर्वत करना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तुच्छ बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। अगला है, रोटी के लाले पड़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? दाने दाने को तरसना। रंगा सियार इस मुहावरे का क्या अर्थ है? रंगा सियार यानी कि कपटी, धोखेबाज, ठीक है, छदमवेशी। नेक्स्ट देखिएगा, रोजगार और दुश्मन बार बार नहीं मिलते, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आए मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। लश्कर में ऊंट बदनाम, दोस्त किसी का और बदनामी किसी की, यानी लश्कर में ऊंट बदनाम। नेक्स्ट देखिएगा, लाचार में विचार नहीं यानी आसक्त होने पर गलत कार्य ही मतलब हो ही जाता है, ठीक है। तो लाचार में विचार नहीं, लाचार में जब आप लाचार हैं तो विचार मत करें, फिर आसक्त में यानी जरूरत होने पर गलत कार्य हो ही जाता है। लाल दे लाद मतलब लाद के पहुंचा दे, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, सब कार्य दूसरे से ही करा देना या फिर कर दें। लूट में चटका नफा, ठीक है, लूट में चटका नफा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मुफ्त में जो चीज मिले वही फायदा। विधि का लेखा को मेटनहार, ठीक है, विधि का लेखा कोई मेटनहार नहीं यानी होनी होकर रहती है। लकड़ी के बल बंदर नाचे यानी बेवस काम करना, भाई लकड़ी के बल से नाच रहा डंडी के से। लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, ये इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, विचित्र शौक है, शौकीन बुढ़िया और चटाई का लहंगा। सिक्का जमाना यानी प्रभाव स्थापित करना अपना। अगला है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रारंभ में ही संकट का आ जाना। नेक्स्ट, सिर उठाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विरोध में खड़ा होना, उपद्रव में खड़ा होना। अगला है दोस्तों, सिर पर कफन बांधना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मृत्यु के लिए दोस्तों उदयत रहना यानी कि मृत्यु के लिए तत्पर रहना या फिर तैयार रहना। सितारा चमकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग्य जगना। सात घाट का पानी पीना यानी कि अनुभवी होना। सिर पर भूत सवार होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी चीज की जिद। नेक्स्ट, सात राजाओं की साक्षी देना यानी किसी बात की सत्यता पर बहुत ज्यादा जोर देना। नेक्स्ट,
साढ़े साथी लगाना यानी कि विपत्ति घेरना, साढ़े साथी लगाना यानी कि विपत्ति घेरना। नेक्स्ट सोना कंगन बरसना, ठीक है, सोना कंगन या फिर कंचन बरसना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? बहुत अधिक लाभ होना, सोने का मृग, विभम्र या फिर माया की मायावी की स्थिति होना। तो ये सभी दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा। ये आज का पार्ट टू था, पार्ट थ्री आप सभी को कल दिया जाएगा। कैसा लगा? और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।